Dog shit Atletico, Araujo signing a new contract and Liverpool finally getting away with a 3-1 win. तो वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, काफी चीजें हमने कोलैब कर दी एक साथ, तो स्टे टिल द एंड। अब इन टाइम पर आके शुरू करते हैं। सिमियोनी का बस नहीं चला, नहीं तो सिमियोनी भाई खुद लेट जाता है गोल लाइन के सामने आके, क्योंकि एटलेटिको बीइंग एटलेटिको मतलब एक जो कुत्तापना है सिमियोनी का वो पूरा उसके प्लेयर्स में भी झलक आता है। और आज एटलेटिको का पूरा गेम प्लान आप फर्स्ट हाफ से चार्ट आउट करो तो भैया ये था कि सेकंड बॉल जैसे ही मिले, अगर सिटी ने कुछ गलती करी, लूज बॉल मिले, उड़ा दो उसको, धास दो सीधे बिल्कुल स्टेडियम के बाहर बस चले, तो एंड दैट वाज व्हाट दे वर डूइंग। मतलब एक जीरो एम्बिशन होता है ना कि आपका आपको कुछ करना ही नहीं, अटैक ही नहीं करना गोल। आपको शायद जोआओ फेलिक्स हो जो इतने अच्छे फॉर्म में है, आपके पास रोड्रिगो डी पॉल उसको स्टार्ट ही नहीं कराया, चलो वो तो अलग बात है। आपके प्लेयर्स का पूरा आपका पूरा थ्रस्ट यही था कि आप आज बस यू जस्ट हैव टू गेट अवे फ्रॉम दिस मैच विदाउट कंसीडिंग, एंड ऑलमोस्ट कर लिया था वो, बट ऑब्वियसली इंट्रिकेट लेवल ऑफ प्ले बिटवीन डी ब्रुइन एंड फोडेन, एंड फोडेन मतलब इफ यू सी द डिफरेंस मेकर था तो सेकंड हाफ में फोडेन ही था, एंड दैट इंट्रिकेट लेवल ऑफ प्ले हेल्प सिटी आउट डू एटलेटिको। मतलब आप पूरे मैच में देखो तो सिटी दे वर द डोमिनेंट साइड क्लियरली यार, 73-74% पोजेशन है आपके पास, यू आर प्लेइंग विद अ हाई लाइन जो ऑलमोस्ट मतलब आपके डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स की पोजीशन पे खेल रहे थे फर्स्ट हाफ में पूरे, तो यू कैन क्लियरली सी कि सिटी का गेम प्लान था कि वाज टू इम्पोज देमसेल्व्स, बट इन टर्म्स ऑफ जो क्लियर कट चांसेस थे सिटी ने बहुत नहीं बनाया मैच में। इफ यू वांट टू सी द लेवल ऑफ की चांसेस क्रिएटेड टू सिटी के कम थे, बिकॉज फर्स्ट हाफ में दे वर बीइंग लिटिल अनकैरेक्टरिस्टिक और वो क्रॉसिंग काफी कर रहे थे, कैंसेलो वाज डिलीवरिंग गुड क्रॉसेस एज वेल, बट यही था कि डिफेंडर्स वर नॉट एबल टू मीट इट बिकॉज क्योंकि लंबाई की काफी कमी थी सिटी के अटैक में, इसलिए वो मीट नहीं कर पा रहे थे बॉल्स, एंड ऑब्वियसली द विंगर वाज नॉट आल्सो इनसाइड द बॉक्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो विंगर पे पास भी बॉल नहीं जा रही थी। तो फर्स्ट हाफ में वो था उनका अप्रोच, सेकंड हाफ में ऑब्वियसली एज फोर्टेन केम ऑन तो थोड़ा सिटी का इंटरग्रेट हो गया, दे वर प्लेइंग मोर सेंट्रली, एंड सेंट्रली फिर वही था कि वो पूरा कंजेस्ट तो कर रही थी एटलेटिको, पूरा उनका आप देखो पूरा इन द लेफ्ट द मैन इन द बॉक्स, तो उनका ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी वो मैन मार्क कर रहे थे, उनका ये था कि वो इतना क्राउड कर दे बॉक्स को कि आप पे शॉट और पास बनाने के एवेन्यूज बंद हो जाए, दैट वाज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। बट अल्टीमेटली रेनिल्डो की गलती थी, मैंने पहले भी प्रीव्यू में पॉइंट आउट किया था कि रेनिल्डो के है थोड़ी टेंडेंसी लंच करने की, और उसने लंच किया, लंच मतलब क्या पूरा उसने पैर दे दिया, मतलब पाना काटना होता है, पाना कटवाना, उन्होंने पाना कटाया अपना, इले भाई बॉल मार तू, ऐसे खड़ा हो गया भाई रेनिल्डो, और फोडेन का वेरी वेरी वेल प्लेस पास, बहुत अच्छे से कुशंड था वो, एंड डी ब्रुइन ऑब्वियसली मतलब ये काफी डिब्रॉइनेस्क फिनिश है, मैंने डिब्रॉइन को बहुत ऐसे फिनिश करते हुए देखा है, तो इट वाज क्लियरली आप कह सकते हो सिटी डिजर्व्ड इट, दे पुट इन अ क्लिनिक इन टर्म्स ऑफ हाउ टू ब्रेक डाउन अ लो ब्लॉक, बस ये था कि चांसेस क्रिएटेड सिटी के दे वर नॉट एज आप कह सकते हो एफिशिएंट इन दैट डिपार्टमेंट। फर्स्ट हाफ तो यार मतलब मौत था, सजा था, अगर किसी को सजा देनी है ना तो ये फर्स्ट हाफ दिखा दो। फर्स्ट हाफ में एब्सोल्युटली नो शॉट्स ऑन टारगेट, और मैच ये सब्स्टिट्यूट ने बदला क्योंकि एथलेटिको ने भी एक साथ तीन सब्स्टिट्यूट किए थे, बट एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है पूरे मैच में, ठीक है। सिटी ने तीन सब्स्टिट्यूट किए, हिजूस का उतना नहीं दिखा, लेकिन फोडेन यार भाई जनरेशन प्लेयर है, मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसने आके गेम बदला, खाली वो असिस्ट वाला पास नहीं, उसके अलावा एक जो उसने साइडलाइन से एक पास खेला था टू डी ब्रुइने, यार मजा आ गई रिस्पॉन्स देख के, बताओ गेम में थोड़ी लाइवलीनेस आ गई, एंड एटलेटिको 1-0 हो चुका है, 88 मिनट है, बेंच अभी भी प्रेस नहीं कर रहे, अभी भी अटैक नहीं कर रहे वो, अभी भी दे आर सिटिंग बैक गिविंग सिटी द बॉल, तो एटलेटिको मुझे थोड़ी यूनाइटेड वाली वाइब्स आ रही थी 4-1 वाले मैच में, लेकिन ये 2 लग के मैच है और ये खाली 1-0 है। अगर इस मैच में मैन ऑफ द मैच तो यार की बात करें तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी केडीबी, अगर आप उसकी स्टैट्स देखो तो मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, नॉट अ स्टैट हैवी पर्सन तो मैं स्टैट्स ज्यादा बात नहीं करूंगा फिनिश। उसके अलावा एक दो चांसेस और थी केडीबी की जो गोल लाइन पे ब्लॉक हो गई थी, उन्होंने भाई सेकंड हाफ में किए तो अटैकिंग सब्स्टिट्यूट थे, लेकिन कोरिडिया का मेन जो इस मैच में था कि ग्रिलिश ने बॉल मारना, शायद उनकी गुची की डील कैंसिल करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ ज्यादा डैमेज आए नहीं। लिवरपूल मैच की अगर ब्रीफली बात करें, बेनफिका ने परेशान तो किया उसमें, एक तो एलिसन वाला था जो एलिसन बीच मिडफील्ड में आके नचनिया बने हुए थे, दे गॉट अवे विद दैट। उसके अलावा ओवरऑल ये बात इस मैच के एंड में आप ये बोल सकते हो ना कि लिवरपूल की जो क्वालिटी थी वो उन्हें सेल थ्रू करा दी, जोटा आखिरी में 4-1 कर सकता था, लेकिन लिवरपूल की क्वालिटी मेड इट 3-1, एंड वही बात है ना कि बेनफिका हैड देयर चांसेस, हैड देयर फ्यू शेयर ऑफ चांसेस, कुछ टाइम एलिसन ने बेल आउट कर दिया, कुछ टाइम उनकी फिनिशेस वर ऑन नॉट ऑन पॉइंट। तो आई थिंक अगर लिवरपूल मैच की बात करें तो मेरे ख्याल से इट्स ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड, क्योंकि एनफील्ड में मुझे कमबैक होते हुए नहीं दिख रहा बेनफिका से। और बेनफिका की आप बात नोटिस भी करो ना, जैसे हमने प्रीव्यूज में भी डिस्कस किया था, जो आयक्स वाला गेम था, आयक्स वर वेरी अनलकी टू नॉट स्कोर इन द बेनफिका मैच, जो उनके राउंड ऑफ 16 टाई था, बिकॉज दे वर नॉट जस्ट क्लिनिकल एनफ। बट आप इन जनरल थीम देखो तो बेनफिका ने आज खेला तो अच्छा, बेनफिका क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस, मतलब डार्विन न्यूनेस के पास काफी गुड अपॉर्चुनिटीज थी, ही डिड टेस्ट एलिसन ऑन अ गुड नंबर ऑफ ओकेजन, एंड एलिसन बिल्कुल अप टू द टास्क था भी, ही डिड पुल ऑफ गुड सेव्स एज वेल। बट बेनफिका के साथ यही ना, मतलब जैसे उत्कर्ष ने भी कहा कि द ओवरऑल क्वालिटी, मतलब डिफ्रेंशिएट जो करता है बड़ी टीम को छोटी टीम को, है कि आप कितने मैच के 90 मिनट्स में आप हाउ
for how long can you stay in that level of quality and how long can you be consistent in creating those chances? And ultimately Liverpool relentless थी अपने chances creation में, उन्होंने वो ride out कर ली जो storm, जैसे कल हमने Arsenal की video में उत्कर्ष ने बात की थी ना कि एक वो level patch होता है जो आपको बस एक ride out करना होता है of pressure from the other team, अगर आप वो कर लेते हो तो आप you have a great chance of winning the match. That is what Liverpool did. कि 2-1 हुआ, pressure में आए, but they were not, they didn't concede the equalizer. बहुत close आए concede करने के लिए, but then Luis Diaz ने goal मारा and then एक security blanket मिल गया. और इससे क्या होता है, आपका momentum build नहीं होता, but दूसरी team का जो aspirations होती है, वो stifle होती है going into the second leg. क्योंकि उनका आपने पूरा kill कर दिया ना कि भाई अच्छा खेल के भी हम नहीं जीत पा रहे. Liverpool ने अपनी midfield की depth आज दिखा दी, मतलब बिना Henderson को start कराए भी they were able to handle Benfica pretty well. बस वो जैसे मैंने बात की, वो एक phase of possession था Benfica के पास जिसमें they created chances, but then बाद में stability देना Liverpool को to you know end the 90 minutes by securing the win, that midfield was able to do to great effect. तो वैसे आते मुद्दे की बात पे आते हैं, बार्सिलोना पे आते हैं, क्योंकि आई नो इट्स चैंपियंस लीग, बार्सिलोना यहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीज हुई है जो बहुत जरूरत थी वो हुआ है भाई. रोनाल्ड अराउहो हैज फाइनली साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक. एंड आखिर में मतलब ये अचिन ने भी एकेजी भाई के साथ लाइव से कहा था कि हिज एजेंट वाज ट्राइंग टू गेट अ बेटर डील फॉर हिम, और जो न्यूज निकल के आ रही थी कि अराउहो ने बोलिया कि जो डील है यू शुड उसको एक्सेप्ट कर लो. तो भाई इससे बदलता है कि क्लब का मेंटालिटी क्या है, उस प्लेयर की मेंटालिटी क्या है, हाउ मच ही वांट्स टू प्ले फॉर दिस टीम, और रिस्पेक्ट है भाई अराउहो के लिए. सोचो एट हिज यंग एज जब यहाँ पे लोगों के दिमाग खराब होते हैं, वह अराउहो कह रहा है ठीक है जो पैसे दे रही है ले लो. अब याद है रिस्पेक्टेबल मनी होगा, बार्सिलोना का कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स नहीं आई. फाइनली भाई एक अंदर शांति जो होती ना वो मिली आज, क्योंकि मैं अभी दो दिन पहले लाइव या वीडियो में कह रहा था कि यार इस जरूरत से ज्यादा खींच रहा है. हाँ हम कैसी साइन कर रहे हैं, हम इसको क्रिस्टन से साइन कर रहे हैं, इसको साइन कर रहे हैं, मुझसे लिंक हो रहे हैं, और वो वाली डील अभी तक रैपअप क्यों नहीं हुई है. और मैंने कहा था मैं गैवी से ज्यादा अराउहो को लेके कह सकते हो वरीड हूँ इस डील को, लेकिन फाइनली यार अराउहो फाइनल हो चुका है. गैवी पे आते हैं, गैवी पे भी कुछ दिन पहले पॉजिटिव न्यूज आई थी कि फिर से कैंप में कॉन्टैक्ट हुआ है, होपफुली वो डील भी जल्दी कंक्लूड हो जाएगी, तो वो भी 2025-2026 तक हो जाएगी. एंड ही इज अ बार्सिलोना बॉय थ्रू एंड थ्रू स्पैनिश, वो तो कहीं नहीं जा रहा है, इस पे गारंटी. एक प्लेयर और है डेम्बेले पे, थोड़ी सी न्यूज थी कि कल हमारे मूसा सिसोको भाई डेम्बेले एजेंट, दी मोस्ट फेमस एजेंट राइट नाउ आफ्टर मिनो रायोला, उनमें और बार्सिलोना के भाई एलिमनी और कुछ बंदे और में काफी लंबी मीटिंग चली. तो मीटिंग में देखो बात यह है कि बार्सिलोना इज स्टिल पेसिमिस्टिक अबाउट साइनिंग, अबाउट नॉट साइनिंग, अबाउट डेम्बेले रिन्यूइंग हिज कॉन्ट्रैक्ट. तो पहले तो जो भाई मुद्दे थे पुराने जो गिले शिकवे थे उनको आयरन आउट किया गया, वो सारे पुराने गिले शिकवे भुलाए गए. अब अभी इसमें काफी सीरीज ऑफ मीटिंग्स और होंगी, फिर डिसाइड होगा कि डेम्बेले साइन करेगा नहीं करेगा. बार्सिलोना का ऑफर स्टिल द सेम, मे बी उससे कुछ थोड़ा ऊपर जा पाएंगे, लेकिन डेम्बेले की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड है वो तो नहीं फुलफिल होने वाली है. तो ये थोड़ी सी दिक्कत है. एंड इफ एम्बापे वगैरह चले जाते डेम्बेले जिस फॉर्म में, मे बी पीएसजी कैन गिव उसके आसपास तो दे सकती है, हमसे तो ज्यादा दे सकती है. एंड गोइंग बैक टू द फ्रेंच कैपिटल, और मौजा मौजा तो होती है, डेम्बेले से प्लेयर को वही चाहिए. तो देखने बात है कि क्या डेम्बेले फुटबॉलिंग प्रोजेक्ट चूज करता है या फिर मे बी द पार्टी लाइफ चूज करता है. अल्टीमेटली बार्सिलोना के लिए यूरोप में तो नहीं बट पर्सनल लेवल पे काफी विन विन सिचुएशन हुई आज, क्योंकि भाई रिटेनिंग देयर स्टार मतलब मेन प्रोस्पेक्ट ऑफ डिफेंडर, और अब गैवी पे सारा अटेंशन शिफ्ट होगा. एंड इट इज जस्ट गोज टू शो कि मतलब गैवी का प्रोजेक्ट पे यंग प्लेयर्स आर ट्रूली बाइंग इन, एंड एजेंट के इन्फ्लुएंस से भी वो बाहर निकल के इंडिपेंडेंट खुद के दो पैर पे डिसीजन ले पा रहे हैं. सो दिस वॉज आर रिव्यू प्लस अपडेट अबाउट बार्सिलोना. होप यू गाइज लाइक इट. और सिटी फैन जितने भी हैं काफी कम थे, कुछ लोगों की थोड़ी कंप्लेंट थी कि सिटी फैन नहीं आते पैनल में, भाई बट आपकी गलती है उसमें कि आप थोड़े कम माइनॉरिटी में. बट आई होप यू गाइज सेलिब्रेट दिस विन एंड एज वेल एज लिवरपूल फैंस एज वेल. काफी मतलब लिवरपूल हैड द बेटर परफॉर्मेंस ओवरऑल. सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू मेक श्योर आप लाइक करो. आपको पता है यूट्यूब हमारे साथ दुश्मनी पाला हुआ है इस समय, लाइक करना मत भूलना. एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट एज वेल इफ वॉट एवर योर थॉट्स आर ऑन द गेम एंड ऑल्सो ऑन अराउहो साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. और आपको क्या लगता है कि बार्सिलोना क्या डिफेंडर्स के लिए जाएगी समर में या नहीं, और किस डिफेंडर्स के लिए जाएगी आफ्टर हैविंग साइन क्रिस्टेंसन. एंड वी विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. बाय बाय.